Hello, good evening. I am Dr. Amish Chaudhary, a senior consultant in gynae oncology at Max Cancer Center, Saket. आज हम बात करेंगे ओवेरियन कैंसर की. तो पहले ये समझ लें कि ओवेरियन कैंसर क्या होता है. ओवेरियन कैंसर लेडीज़ जो जिसको हम कहते हैं कि गायनोकोलॉजिकल कैंसर्स में सबसे कॉमन कैंसर माना जाता है. ये हमारा यूट्रस है. दिस इज द यूट्रस, दिस इज द सर्विक्स एंड दिस इज द ओवरीज. इन ओवरीज में बनने वाली थैली जो है उसको ओवेरियन कैंसर माना जाता है. कुछ समय तक सर्वाइकल कैंसर जो हमारे यूट्रस की ओपनिंग का कैंसर होता था वो सबसे कॉमन होता था, पर अब टाइम के साथ ये बीमारी कम होती जा रही है. ओवेरियन कैंसर का इंसिडेंस हमारा बढ़ता जा रहा है. ओवेरियन कैंसर जो कि अब एज वाइज अब हम देख रहे हैं, जो पहले ये 50 की एज से ऊपर ज़्यादातर पाया जाता था, अब धीरे धीरे अब हम अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देख रहे हैं कि इसका एज तकरीबन पिछले 10 साल में 4 to 5 ईयर्स और पहले आना शुरू हो गया है. तो आज अब हम देखते हैं अपनी ओपीडीज में कि अप टू 40-45 की एज ग्रुप में भी लेडीज़ ओवेरियन कैंसर के साथ आती हैं. अब सवाल ये उठता है इसका पता कैसे लगाया जाए. ओवेरियन कैंसर के लार्जली कोई मेजर सिम्टम्स नहीं हैं. मोस्टली इसके सिम्टम्स होते हैं कि हमारे लोअर अबडोमिनल पे उभार आ जाना या पेट में पानी भर जाना. ये दो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हैं हमारे. ब्लीडिंग और वजाइना से होने वाला डिस्चार्ज ओवेरियन कैंसर के सिम्टम्स नहीं होते. वो ज़्यादातर यूट्राइन और सर्वाइकल कैंसर्स के सिम्टम्स माने जाते हैं. अब अगर हम बात करें कि अगर आपको ओवेरियन कैंसर के डायग्नोसिस हो गई है या उसका डाउट है, तो आपके मन में आने वाले पहले 5 सवाल क्या होंगे. किसी भी कैंसर के मूल रूप से 5 सवाल आंसर होने हमारे पास ज़रूरी हैं. सबसे पहला है हमारा डायग्नोसिस क्या है. सो ओवेरियन कैंसर का डायग्नोसिस एस्टेब्लिश करने के लिए हमें सीटी स्कैन या पेट सीटी स्कैन में ओवरी के अंदर गांठ या उस के अंदर पेट एविडिटी या फिर पेट के अंदर पानी या पेरिटोनियल नोड्यूल्स नाम की जो सिम्टम्स हैं वो दिखाई देने चाहिए. ये डायग्नोसिस के लिए जो 3 टेस्ट ज़रूरी हैं वो हैं सीटी स्कैन, एक ब्लड का टेस्ट जिसको CA-125 कहा जाता है, और दूरबीन की जांचें जिनको एंडोस्कोपी कहा जाता है. ओवरी की हर गांठ कैंसर नहीं होती. ज़्यादातर गांठें ओवरी की बिना कैंसर की सादी गांठें होती हैं, और इसमें से कई गांठें किसी और कैंसर का ओवरी में आ जाने से होती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा कॉमन है हमारी पेट की कैंसर या बड़ी आंत की कैंसर. इसीलिए उनको एंडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी द्वारा ये जाँच कर लेना बड़ा ज़रूरी होता है कि कैंसर वहाँ से शुरू तो नहीं हुआ था. और ओवरी का प्राइमरी कैंसर इन दो जगहों को रूल आउट करने के बाद और CA-125 का जो वैल्यू है वो नॉर्मल से ज़्यादा होना और सीटी स्कैन में ओवरी के अंदर गांठ होना, पेट के अंदर पानी या पेरिटोनियल नोड्यूल्स का होने से हमारा उस पर डाउट ज़्यादा बढ़ता है. अब अगर बात करें बायोप्सी की, ज़्यादातर कैंसर में बायोप्सी एक मैंडेटरी स्टेप माना जाता है. आपको अपने फैमिली मेम्बर के या किसी रिलेटिव के या किसी फ्रेंड सर्कल में भी आपने ये बात बहुत सुनी होगी कि भी कैंसर का इलाज बिना बायोप्सी के स्टार्ट नहीं होता. ओवेरियन कैंसर में ये बात लागू नहीं है, क्योंकि ओवरी कैंसर ज़्यादातर एक पानी की थैली की तरह होता है
बायोप्सी करने से उसके फट जाने का रिस्क और उसके पेट में फैल जाने का रिस्क काफ़ी होता है, तो इस कैंसर में बायोप्सी का रोल नहीं है। अगर आपका जो पेशेंट है उसकी सर्जरी प्लान्ड है तो बायोप्सी सर्जरी के दौरान ही की जाती है, जिसको फ्रोजन सेक्शन कहा जाता है। प्री ऑप डायग्नोसिस के दौरान बायोप्सी हमारे लिए मैंडेटरी नहीं है ओवेरियन कैंसर में। अब हमारी डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशंस के आधार पे अगला सवाल हमारा होता है कि स्टेज क्या है। स्टेज, ये वर्ड आज की डेट में बड़ा कॉमन वर्ड है। जैसे ही कैंसर का डायग्नोसिस आता है, आदमी के दिमाग में सबसे पहला सवाल उठता है, सर मेरा स्टेज क्या है, क्या मैं लास्ट स्टेज में तो नहीं हूँ। तो जैसे ज़्यादातर कैंसर हैं वैसे ही ओवेरियन कैंसर है, इसकी चार स्टेज हैं, स्टेज 1, 2, 3, 4। 1 और 2 को अर्ली स्टेज माना जाता है, 3 और 4 को एडवांस स्टेज माना जाता है। और हमारे देश में और हमारी प्रैक्टिस में हमने ये देखा है, हमारे 70% पेशेंट्स एडवांस स्टेज में आते हैं और सिर्फ 30% पेशेंट्स स्टेज 1 और 2 में हैं। तो अगर आपका पेशेंट एडवांस स्टेज में है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। इस कैंसर का पता लगाना काफ़ी मुश्किल होता है, ये जब तक एडवांस ना हो जाए इसका सिम्टम नहीं मिलता। ज़्यादातर लेडीज़ एडवांस स्टेज में ही आती हैं, सो इट इज़ नॉट अ मैटर टू बी अफ्रेड ऑफ, इससे डरना नहीं है। अब स्टेज के बाद नेचुरल सवाल ये उठता है कि हमारा ट्रीटमेंट क्या है। सो अब बात करेंगे ट्रीटमेंट की। ओवेरियन कैंसर में ट्रीटमेंट दो फॉर्म्स में दिया जाता है, एक है सर्जरी और दूसरा है कीमोथेरेपी, जिसको हम कीमो के नाम से भी जानते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो एडवांस स्टेज में आप ये मान के चलिए कि सर्जरी और कीमो दोनों ही होने हैं, दोनों ही होने तय हैं, पर डिस्कशन ये होता है हमेशा कि सर्जरी पहले करनी है कि कीमोथेरेपी पहले करनी है। अगर आप मल्टीपल ओपिनियंस लेंगे एडवांस कैंसर में तो आपको कुछ लोग सर्जरी के बाद कीमोथेरेपी एडवाइस करेंगे, कुछ लोग कीमो के बाद सर्जरी एडवाइस करेंगे, पर ये दोनों ही ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बिल्कुल इक्वल माने जाते हैं। इन दोनों के रिजल्ट्स ऑलमोस्ट सेम हैं। अभी तक जितनी भी हमारी स्टडीज़ ट्रायल्स हुई हैं इनमें हम सर्जरी करके कीमो करें या कीमो करके सर्जरी करें, अगर हम ये प्रोटोकॉल फॉलो करें या ये प्रोटोकॉल फॉलो करें, सर्वाइवल तकरीबन सभी स्टडीज़ में सभी देशों में तकरीबन बराबर है। सो दोनों ही ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बिल्कुल सही हैं, पर अब वर्ल्ड में जो फेवरेबल ट्रीटमेंट जिसको अभी माना जा रहा है वो सर्जरी फॉलोड बाय कीमोथेरेपी है। उसका रीज़न ये है, लोग कहते हैं, जो साइंटिस्ट जो लोग इस ट्यूमर को डील कर रहे हैं उनका ये मानना है कि सर्जरी करके ट्यूमर हटा देने से कीमोथेरेपी का इफ़ेक्टिवनेस बढ़ जाता है और हमारे कीमो के रेजिस्टेंट क्लोन्स हट जाते हैं। पर उसी टाइम पे हमें ये भी देखना होता है कि ओवेरियन कैंसर की सर्जरी एक बड़ी और लंबी सर्जरी मानी जाती है, कि आप वो पेशेंट उस सर्जरी को उस टाइम पे झेल सकता है कि नहीं। तो उन सिनेरियो में जहाँ पे आपको ये डाउट हो या सर्जन के दिमाग में ये डाउट हो कि ये पेशेंट का सर्जरी ज़्यादा लंबा चलेगा या ब्लड लॉस ज़्यादा होगा इस सर्जरी में, या उसको सीटी स्कैन देख के ये लगे कि मैं 100% रिमूवल नहीं कर पाऊँगा, उस केस में कीमो पहले करके पेशेंट की बीमारी को डाउन स्टेज करके ऑपरेट करना बेटर माना जाता है। सो ये हुई ट्रीटमेंट की बात। अब इसके बाद नेचुरल एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमेशा उठता है कि सर इसमें हमारे सर्वाइवल का क्या चांस है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर्वाइवल।
आज सर्जरी की टेक्निक्स, पोस्ट ऑप रिकवरी की टेक्निक्स और कीमोथेरेपी के एडवांसमेंट्स की वजह से ओवेरियन कैंसर का सर्वाइवल पिछले 10 साल में, जो कि पहले एवरेज सर्वाइवल हम लोग 30-40% मानते थे, आज की डेट में इवन इन एडवांस्ड स्टेज 3 ट्यूमर्स में ये 30-40% से इंक्रीज होके 60% तक आ गया है, और स्टेज अर्ली स्टेजेस में तो ये 80% तक सर्वाइवल इसमें पॉसिबल है। सो 60% इन द वर्ल्ड ऑफ ऑन्कोलॉजी बहुत अच्छा परसेंटेज माना जाता है। दैट मीन्स कि अगर 1000 पेशेंट ये ट्रीटमेंट करवाते हैं तो 600 पेशेंट्स पूरी तरह से नॉर्मल और अच्छी क्वालिटी की लाइफ लीड करेंगे। सो ओवेरियन कैंसर के बारे में हम जितना ज़्यादा जानेंगे उतना ही एक अच्छा डिसीजन ट्रीटमेंट के लिए ले पाएंगे। सो ट्रीटमेंट इज़ अवेलेबल, इट इज़ गुड एंड देर इज़ अ गुड चांस ऑफ सर्वाइवल। थैंक यू।